हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो सोचा आज आपके साथ कुछ एक नई रेसिपी ट्राई की जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रसमलाई, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट खुद से बनाने में कुछ अलग ही मजा होता है। सो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे मैंने रसमलाई बनाने के लिए 1.5 लीटर मिल्क ले लिया है। आप दूध चाहे तो चितले या फिर कोई और ब्रांड का भी ले सकते हो। सो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है रसमलाई बनाने के लिए। तो अभी हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध उबलने लगे, तो यहाँ पे मैं 1/2 कप दूध साइड कर लूंगी, जिसमें मैं ऐड करूंगी सैफ्रॉन। एंड यस दोस्तों, ऑब्वियसली सैफ्रॉन हम ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहो तो कलर आने के लिए फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी उबलने लगा है। तो अभी हम गैस की फ्लेम बिल्कुल भी लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर। तो दोस्तों, आप कोई भी ब्रांड का विनेगर यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करूंगी। दोस्तों, यहाँ पे हमने विनेगर ऐड कर दिया है। अभी गैस का फ्लेम हम बिल्कुल भी लो रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही मैंने विनेगर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छे से लम्स फॉर्म हो रहा है। तो अभी इसे लो फ्लेम पे हमें बिल्कुल ऐसे स्टर करते रहना है, जब तक अच्छे से लम्स फॉर्म ना हो जाए। एंड फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये मिल्क सेपरेट हो चुका है और अच्छे से लम्स फॉर्म हो चुके हैं। सो दोस्तों, अभी हम इसे अच्छे से उबालकर गैस ऑफ कर देंगे और इसमें जो वाटर है उसे अच्छे से सेपरेट कर लेंगे। दोस्तों, ये अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसे इस कपड़े में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से छानकर इसमें जो एक्सेस वाटर है उसे सेपरेट कर लेंगे। देख रहे हो, यहाँ पे मैंने वाटर को अच्छे से सेपरेट कर लिया है। अभी हम इसे अच्छे से स्क्वीज करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसमें जो वाटर था वो मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है और 1 घंटे बाद में अभी इसको ओपन कर लूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका काफी स्टिफ डो बन के रेडी था। तो अभी हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं साइड बाय साइड शुगर सिरप बना लूंगी ताकि मैं बनाए हुए टिक्की को उसमें डिप कर सकूं। अगर आपको शुगर सिरप बनाना है तो इसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से भी ले सकते हो। और अभी मैं फाइनल गार्निशिंग के लिए यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दूंगी। और दोस्तों, ये दूध हमें तब तक उबालना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। अभी इस डो को मैं अच्छे से स्मैश कर लूंगी और आप चाहो तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो, बट उसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी कम रखनी है।
कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम रखनी है तो मैंने अपने डो के हिसाब से यहाँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अभी मैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों मैं इसे तब तक स्मैश करूंगी जब तक ये स्मूथ डो बन ना जाए। जैसे ही स्मूथ डो बन जाए फिर हम इसकी अच्छे से टिक्कियां बना लेंगे। तो दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, मैं जब भी शुगर सिरप बनाती हूँ तो मैं उसमें 2 या 3 ड्रॉप लेमन के ऐड करती हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे स्टार्टिंग में रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी टिकिया बन के रेडी है तो अभी हम इसे ऐड कर देंगे शुगर सिरप में। तो दोस्तों अभी मैं इसको शुगर सिरप में डीप करके 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे रख दूंगी। तो यहाँ पे हमारा साइड बाय साइड दूध भी उबल के बिल्कुल भी हाफ क्वांटिटी में रेडी है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। आप चाहो तो इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही हमने स्टार्टिंग में दूध उबलने के लिए रख दिया था तभी थोड़ा दूध साइड करके उसमें हमने केसर ऐड कर दिया था तो अभी वो केसर वाला दूध हम भी इसमें ऐड कर देंगे। एंड एज यू कैन सी फ्रेंड्स यहाँ पे विदाउट एनी फूड कलर काफी अच्छे से येलो कलर आ चुका है। एंड फाइनली दोस्तों अभी हम केसर वाले दूध में हमारी टिक्कियां अच्छे से डीप करके इसे सेटल होने के लिए 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रख देंगे। दोस्तों जब तक हमारी रसमलाई सेटल हो रही है तब तक चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारी घर की बनाई हुई रसमलाई बिल्कुल भी सर्व करने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप भी अपने घर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।